आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज की ओपनिंग से पहले संकेत अच्छे हैं। कल के बाजार में एफआईज ने बाइंग की है, यूएस मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी बहुत तेजी तो नहीं दिखा रहा लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशन जरूर दे रहा है क्योंकि 13 पॉइंट्स ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। हमने बात की थी उन अर्निंग्स की जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर लग रहे हैं। थोड़ी देर में आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बताएंगे लेकिन आज आने वाले जो इंपॉर्टेंट अर्निंग्स हैं उस पर एक क्विक अपडेट ले लेते हैं अंचल से कि नंबर्स रह कैसे सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड और येस बैंक, और इनफैक्ट अंचल इस बार के अर्निंग सीजन में ये कहा भी जा रहा था कि बैंकिंग के अर्निंग या फिर फाइनेंशियल स्पेस के अर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सरकारी बैंकों के नतीजे, बड़े सरकारी बैंकों के नतीजे भी आने बाकी हैं लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में जो अब तक का टेस्ट रहा है अर्निंग्स का वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या फिर टुवर्ड्स बेटर साइड ही रहा है। येस बैंक क्या उस फ्लो को मेंटेन रखेगा और साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन? राजा त्रिपाली, येस बैंक के केस में कहूंगा फ्लो को मेंटेन ही नहीं रख रहा, रादर अपने पीएस को शायद आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे। देखिए इस बार जो उम्मीद की जा रही है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर्स इस बार प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में येस बैंक की उम्मीद की जा रही है। एनआईए में ऑलमोस्ट 30-31% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो 30% के आसपास रह सकती है। ओवरऑल एनआईएम्स जो है वो 3.3% से महज घट 3.7% से घट के 3.3% रह सकते हैं। तो नेट ओवरऑल देखिए एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। प्रोविजंस की अगर आप बात करें वाईवाई बेसिस पे, बेशक 18.5% बढ़ने की उम्मीद है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो 21% के डिप की एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रह सकता है इस बार येस बैंक के लिए। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा दीपाली, देखिए अभी हाल फिलहाल में जो राज्य सरकारों ने कर्ज माफी की है, कृषि लोन माफ किए, उसका कहीं इंपैक्ट येस बैंक पे तो नहीं आता। ये चीज हमने देखी थी कहीं ना कहीं आती हुई जो दिखे, पहले बैंक्स ने अपने नंबर्स पोस्ट किए वहां पे एक स्लाइट इंपैक्ट आते हुए दिखा, तो येस बैंक के केस में वो जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज एसेट क्वालिटी स्टेबल नहीं, रादर इंप्रूव हो रही है। 1.52% से ग्रॉस एनपीएस घटकर 1.4% रह सकते हैं। स्लिपेजेस कंट्रोल्ड रहने का अनुमान है और मुनाफा जो है ऑलमोस्ट 26% बढ़ता हुआ दिखेगा। एचडीएफसी के केस में भी दीपाली सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा किस हालत, किस तरह से प्रोविजनिंग करता है कंपनी। एनआईए के फ्रंट पर अगर आप बात करें 2.5% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। वाईवाई बेसिस पे प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट 71% तक गिरने का अनुमान है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 33% तक की स्लाइड आ सकती है प्रोविजनिंग में। यहाँ सारा दारोमदार होगा एनसीएलटी मामलों में। देखिए एनसीएलटी मामलों में कंपनी की करीब 900 करोड़ का एक्सपोजर है इस समय एक अकाउंट के अंदर, और अगर वहां से कोई बयान आता है जो अनसेवरी होगा, जो कंपनी के अगेंस्ट जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो 900 करोड़ की प्रोविजनिंग कंपनी को करनी पड़ेगी और वो डेंट डाल सकता है ओवरऑल नंबर्स पे। पैट की जहां तक बात रही 7.5% गिर जरूर आया लेकिन एक हाई बेस का इंपैक्ट है दीपाली। पिछले साल Q1 में इन्होंने एचडीएफसी अर्गो में अपना हिस्सा बेचा था 1125 करोड़ के अंदर, तो वो नहीं है इस बारी, वन टाइम गेन नहीं है इस बारी, इस वजह से आपको पैट गिरता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज आप इसके एनपीएस देखिए 0.79% से बढ़ के 0.85, यानी महज 0.6% की बढ़त आ सकती है। तो स्ट्रॉन्गर नोट पे एनपीएस, प्रोविजनिंग के लिए आप एनसीएलटी से क्या बैंक अपना, क्या कंपनी अपना प्रोविजनिंग रखती है एनसीएलटी मामले को देखकर, वो क्रिटिकल रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक्सपेक्टेशंस क्या है, या अंचल ने एनालिसिस किया है इसका, एचडीएफसी लिमिटेड और येस बैंक। हालांकि दोनों ही कंपनियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से वो स्ट्रॉन्गर साइड पर ही रहा है, तो और दोनों ही अपने लाइफ टाइम हाईस पर ट्रेड भी कर रहे हैं, तो नजर रखकर चलिए इन दोनों शेयर्स पर। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे कमोडिटीज की ओर, रुख कर लेते हैं। अजय केडिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, केडिया कमोडिटीज से। सबसे पहले क्रूड पर ही उनसे कमेंट ले लेते हैं क्योंकि ओपेक की बैठक के आउटकम के बाद जो नाइजीरियन ऑयल आउटपुट पर कर्व लगाने की बात हुई उसके बाद 2 सेशन में अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा है। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले ये बताइए एमसीएक्स पर क्रूड पर आज करना क्या चाहिए? इंटरनेशनल मार्केट्स में तो बाइंग कंटिन्यू हो रही है, $50 के ऊपर ब्रेंट क्रूड आ चुका है, कल 3% ऑलरेडी घरेलू बाजार में क्रूड में स्पर्ट दिखा था, लेकिन क्या ये मूव कंटिन्यू होता हुआ दिख रहे हैं आज भी? इंपॉर्टेंट था इक्विटी में भी हमने निफ्टी को 10,000 का लेवल तोड़ते हुए देखा, वहीं क्रूड को भी हमने $48 का लेवल तोड़ते हुए देखा। ओपेक का जो मीट था उसमें प्रोडक्शन पे जरूर कैप लगा था, बट साथ में जो स्टेटमेंट आया कि अगस्त में हम जो एक्सपोर्ट है उसमें हम कटौती करेंगे, उसके बाद हमने प्राइजेस में जंप आते हुए देखा। टेक्निकली भी 4750 का काफी अहम रेजिस्टेंट था, वो तोड़ चुका है, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये 4950-4980 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है एक जंप रहेगा आज 3150 तक के लेवल के लिए। ठीक है, तो एक रूट पर व्यू रहा मिस्टर केडिया का, लेकिन आज के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं कमोडिटीज में? दीपाली, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मुझे लगता है कि फेड की मीट से पहले हम थोड़ा बहुत गिरावट देख सकते हैं, कल के सेशन में भी एक मिला जुला असर था। आज के लिए 28,500 पे बेच के चलिए, 28,300-350 का लेवल गोल्ड में देखने मिल सकता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया मिस्टर केडिया आपका।
तो गोल्ड पर बेचने की सलाह है? ऑलरेडी फेड की बैठक से पहले इंटरनेशनल मार्केट में भी हम गोल्ड प्राइसेस में थोड़ी सी कॉशियसनेस देख रहे हैं, ये सेल करने की सलाह दे रहे हैं 28,500 के लेवल्स पर, 28,350 का टारगेट, 28,600 का स्टॉप लॉस। क्रूड में खरीदारी की रिकमेंडेशन इनकी ओर से मिली है आज के लिए, टारगेट ही रिकमेंड कर रहे हैं 3140 के, 3040 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के लिए। आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन ठीक 11 बजे पीएमओ और वित्त मंत्रालय के बीच में एक इम्पॉर्टेंट मीट हो सकती है जिसमें फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर करने पर बातचीत होगी। और अपडेट ले लेते हैं, आलोक प्रियदर्शी से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बस तो काफी समय से बना हुआ है कि सरकार की मंशा है ऐसी कि फाइनेंशियल ईयर चेंज किया जाए, लेकिन आज जो 11 बजे बैठक है, क्या ये मानकर चला जाए कि कुछ कॉन्क्रीट डिस्कशन या फिर कुछ सीरियस डिस्कशन इस मुद्दे पर हो सकते हैं? देखिए, वित्त वर्ष चेंज करने को लेकर जो शंकराचार्य कमेटी बनी थी, शंकराचार्य जो पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं वित्त मंत्रालय में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी थी। उसके बाद से अभी तक फाइनेंशियल ईयर को लेकर कोई कंक्रीट बैठक नहीं हुई थी। जो आज बैठक होने वाली है पीएमओ में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम इस बैठक को लेंगे और इसमें वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी रहेंगे, जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, डी सेक्रेटरी रहेंगे ऐसी गर्ग, और साथ ही साथ बजट डिवीजन के कुछ लोग रहेंगे। तो ये सब मिलकर इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो बजट, जो फाइनेंशियल ईयर चेंज करने को लेकर कवायद चल रही है कितनी सही है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। साथ साथ नीति आयोग के भी अधिकारी वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग के मंच पे ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी राज्यों से सहमति बनानी होगी और सभी राज्य इसके लिए आगे आए। तो ये पहली बैठक है और उसके बाद देखना होगा कि अभी कितनी जल्दी इस फैसले को सरकार ले पाती है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगले साल से ये वित्तीय वर्ष को बदलने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आलोक आपका ये अपडेट देने के लिए। तो आज जो 11 बजे बैठक है वो इम्पोर्टेंट रहेगी उस लिहाज से। लेकिन आगे बढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट खबर आपको बता देते हैं, आरबीआई बैंकों पर और सख्ती करने की तैयारी में है। बैड लोन के लिए एनसीएलटी जाने वाले बैंकों को प्रोविजनिंग काफी बढ़ानी पड़ सकती है और आरबीआई जल्द ही ऐसे लोन पर 50% की प्रोविजनिंग तय करने की तैयारी में है। अगर कोर्ट किसी मामले में देनदार कंपनी को बंद करने का आदेश देता है तो बैंकों को 100% तक की प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। ऐसे में एनपीए के बोझ तले दबे बैंकों की वित्तीय हालत और खराब हो सकती है। आरबीआई के मुताबिक एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाने वाले मामलों के लिए प्रोविजनिंग के नियम एक जैसे होंगे।